हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि आपको ये इस तरह के संबरानी कप और धूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और ये संबरानी कप मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने कुछ सूखे हुए फूलों का यूज़ किया है, जो हम घर में फूलों को सुखा लेते हैं। तो उसके फूल ले लिए हैं, गुलाब के फूल और गेंदे के फूल। ये मैंने लिया है गूगल और लोबान, इनको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में लिया है। कपूर लिया है मैंने, थोड़ी सी लौंग ली है, और ये गोबर का उपला जो आता है, कंडा जिसे बोलते हैं, वो लिया है। सैंडल का चंदन का पाउडर है। सामग्री है पूजा सामग्री, और ये चारकोल है, यानी कि जो उसका लकड़ी के कोयले का टुकड़ा आता है। देसी घी है, और भी चीज़ें हैं जो बाद में हम इसमें डालेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम ये फूलों को ना, पहले हम थोड़ा सा सूखा इसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये हो जाए। मैं छोटे वाले मिक्सर जार का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ये पाउडर बन जाता है। तो चलिए अब इसको पीस लिया है, देखिए मैंने, अब इनको अलग बर्तन में अभी मैं निकाल लेती हूँ। अभी इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको मैं अलग रखती हूँ। अब इसी में मैंने ये गोबर का उपला यानी कंडा ले लिया है, साथ में इसमें कपूर डाल दिया है, इसी के साथ में लौंग डाल दी है इसमें हमने, और ये चारकोल यानी कि कोयला हमने इसमें डाल दिया है, लोबान और गूगल। थोड़ा थोड़ा हम इसका मोटा मोटा पार्ट हमने रख लिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। उसको मैंने निकाल लिया था मोटा मोटा पार्ट, जिसमें मैं पीसने के बाद आया था। थोड़ी सी पूजा सामग्री मैंने ले ली है। अब हम इसको यहाँ पर इस टाइम पर पीस लेंगे। देखिए पीस लिया है मैंने, और इसको हम छान लेंगे, और जो ये निकलेगा ना, इसको हम दोबारा से पीस लेंगे, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम आगे और करेंगे। ये मैंने निकाल लिया है। अब बाकी देखिए अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें ये चंदन का पाउडर, ये खुशबू वाला चंदन का पाउडर है, बहुत अच्छे इसमें से स्मेल आती है, सुगंध आती है इसके अंदर से, उसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर देंगे, ताकि ड्राई इन्ग्रीडियंट आपस में मिक्स हो जाएं। फिर हम मैंने इसमें यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच हम गेहूँ का आटा यूज़ करेंगे, और ये मैंने लगभग कम से कम 4 टेबलस्पून शहद लिया है मैंने इसमें। शहद हम इसमें मिक्स कर देंगे, और ये देसी घी डाल दिया है मैंने, यानी कि 4 चम्मच ही देसी घी लिया है, वो मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पर अभी हम तिल के तेल का भी यूज़ करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैंने तिल का तेल यहाँ पर डाल दिया है। इससे पहले हम अच्छे से पहले बाइंड करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है, तो हम यहाँ पर इसमें गंगा जल का यूज़ या पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ग्लव्स से नहीं बन पा रहा था बहुत अच्छे से, तो मैंने इसको निकाल दिया है, और इस तरह से हम इसके कप्स रेडी कर लेंगे। बिल्कुल मार्केट के, मेरे पास सांचा नहीं है, तो मैं हाथ से ही रेडी करना बता रही हूँ। आराम से इसको घुमाएंगे, बहुत आराम से ये कप बनकर रेडी हो जाएगा। कटोरी की शेप जैसे हम हम आटे का दिया बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, उसी की तरह से हमें इसको गोल गोल एक कटोरी की फॉर्म में शेप दे देनी है, इस तरीके से। बहुत आराम से जब धीरे धीरे आप इसे घुमाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार में बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। अभी ये गीले हैं, तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, सूखने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। तो इसको हम रख देते हैं इतने बना बना के अलग, थोड़ी सी हवा लगती है, ये बिल्कुल सूख जाएंगे। देखिए इस तरीके से आराम से आप इसको हाथों से घुमाइएगा, बहुत आराम से ये संबरानी कप बन करके रेडी हो जाते हैं। मार्केट में ये 12 पीस का 200 से 250 का पैकेट मिलता है, और ये देखिए हमने बहुत ही आसान घर की चीज़ों से ही ये सब सामान इकट्ठा कर लिया। ये देखिए सारे मैंने अभी रेडी कर लिए हैं, लगभग 12 कप मेरे इसमें बन करके रेडी हुए थे। आराम से इनको, ये इसमें गीले हैं, तो आप इसको हल्का सा क्रैक अगर दिख रहा है तो उसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर पे सेट कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैंने थोड़ा सा ही बच गया था, तो इसका मैंने इस तरह से धूप की शेप में मैं इसको बना रही हूँ, इस तरीके से कि हम इसको धूप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मंदिर जाते हैं तो ले जा सकते हैं। और नवरात्रि में इन हम सब अपने घर में हवन करते हैं, तो इसीलिए हम इसकी इस रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से हम ये सारी धूप को रेडी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, हवा लगने के बाद ये तुरंत अपनी शेप ले लेगा, बहुत आराम से ये बन जाता है।
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोल्ड मिलता है तो मोल्ड का यूज़ भी कर सकते हैं या किसी प्लास्टिक कोन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने लंबे वाले भी बनाए थे, वो मैं यहाँ दिखाना आपको भूल गई। अब ये देखिए, जो बचे हुए हमने ये मोटा पार्ट जो बचा था ना, इसमें ही मैंने गूगल और लोबान, जो मोटा मोटा जो गूगल और लोबान का पीस था वो हमने इसमें मिक्स कर दिया। जो जो फूलों का वो बचा था ना, वही मैंने इसमें डाला है। अब इसमें ये जो कपूर लिया है ना, इस कपूर के हम अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसे जलाना है तो उसमें कपूर डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से हम इसमें कपूर को, बहुत आराम से कपूर मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो, मैंने ये बड़े वाला लिया था। अब हम इसको एक स्पून की सहायता से ना अपनी सम्राणी कप में भर देंगे, अच्छे से फिल कर देंगे, और ये बिल्कुल एकदम से मार्केट के जैसा ही हमारा कप बनकर रेडी हो जाएगा। मैं अभी आपको उसको उठा करके नहीं दिखा सकती, और तो इसको गीले में ही हमें इसको फिल करना है ताकि ये इसमें फिट हो जाए बिल्कुल, ताकि हम जब हम जलाएं तो ये गिरे नहीं, सेट हो जाएगा। और हाथ से, हल्के हाथ से इसको हमें दबा देना है। इसी तरह से हम सारे इन कपूर को भर लेंगे। सामग्री है इसमें, फूल हैं हमारे, और हमारा गूगल, लोबान और कपूर है, तो जो उसको जलने में बहुत आसानी करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाथ से दबाते रहेंगे इसको, और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा कपूर डाल देती हूँ ताकि जब हम इसे जलाएं तो बहुत अच्छे से ये जल जाए। रख करके ये सेट हो जाएगा, और ये देखिए हमारे सेट, और ये हमारे सम्राणी कप रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।